समझ लिया है तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागूंगा आप और आप उसे हवा में उड़ाते चलोगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा पे। परसेंटेज की क्लास चल रही थी, उसमें लगभग बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे और हमने आपको कहा था कि अगली कक्षा में हम लोग वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न को करेंगे और इसके बाद जस्ट हम लोग सक्सेसिव केस को देखेंगे कि किस प्रकार सक्सेसिव केस के अंतर्गत परसेंटेज को पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। सक्सेसिव केस क्या होता है उसकी पूरी डिटेल क्लास यहाँ पे चलेगी वेन डायग्राम के जस्ट बाद, ठीक है। अब वेन डायग्राम दोस्तों मैं इस प्रकार आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके वेन डायग्राम से नहीं छूटेंगे, चाहे किसी भी तरह के प्रश्नों की जरूरत हो, आपको वेन डायग्राम में किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रहे, मैं जो बताऊंगा तरीका उसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और किसी भी प्रकार के प्रश्न आप बना पाएंगे सिर्फ एक एग्जाम्पल द्वारा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा और उसमें सभी तरह के प्रश्न, जैसे कितने लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, कितने लोग चाय पसंद करते हैं, कितने लोग केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं, कितने लोग कम से कम एक चीज़ पसंद करते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, या तो कितने लोग केवल कॉफ़ी ना पसंद करते हैं, या तो कितने लोग केवल चाय ना पसंद करते हैं, सारे प्रश्नों के जवाब दोस्तों आप एक वीडियो में सीखिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित तौर पे इस वीडियो पे थोड़ा सा समय दीजिएगा, अपना 5 मिनट आप इस वीडियो पे समय दीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि 20 आदमी है, 20 आदमी जो है चाय पसंद कर रहा है और 80 आदमी कॉफ़ी और 10% आदमी जो है दोनों पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या मान लेते हैं हम कि 20% जो मैन है, 20% आदमी जो है वो चाय पसंद करता है, क्या पसंद करता है, चाय, और 80% जो है आदमी वह कॉफी पसंद करता है, ठीक है। 20-80 हो गया और 10% जो है वो दोनों पसंद करता है, 10% आदमी जो है, 10% आदमी दोनों पसंद करता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा पहले और इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि केवल चाय कितने पसंद करते हैं, चाय कितने पसंद करते हैं, कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं, दोनों कितने पसंद करते हैं और दोनों कितने ना पसंद करते हैं। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक तरीका जानिएगा जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा लेकिन उतना भी अच्छा से नहीं पढ़ा होगा ताकि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकें, ठीक है। जनरली ऐसा होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। 20% आदमी चाय पसंद करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे फिर प्रश्नों पे चलेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, प्रश्न की चर्चा बाद में करना है, ठीक है। देखिए 20% आदमी चाय पसंद करता है, 20% आदमी क्या पसंद करता है, चाय। तो एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम है आपका ये चाय पसंद करने वाले का है और चाय पसंद कितने लोग करते हैं, 20% लोग, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 20%। और ये जो डायग्राम है ये मान लेते हैं कि कॉफ़ी पसंद करने वाले का है और कॉफ़ी कितने लोग पसंद करते हैं, 80%, ठीक है। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं कि चाय पसंद करने वाले का डायग्राम ये है, कॉफ़ी पसंद करने वाले का डायग्राम ये है और दोनों पसंद करने वाले हैं 10%, ओनली 10% जो कि बोथ पसंद करते हैं, बोथ यानी टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो देखिए वो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना होगा हमको, ये 10% हो जाएगा जो कि दोनों पसंद करते हैं, ये जो है ये क्या है, ये दोनों पसंद करते हैं। बोलिएगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं, ऐसा तो हम लोग हमने पढ़ा है, ठीक है आपने ऐसा पढ़ा है, थोड़ा सा समय तो दीजिए, देखिए चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। और आप बोलिएगा कि सर ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा था जो आपने अभी पढ़ाया, और इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए तो 10% हो गया जो कि दोनों पसंद करते हैं, 80% कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि ठीक है चाय पसंद करने वाले लोग 20% है, यानी ये घेरा जो है ये 20% का है, ये घेरा किनका है, 20% का,
और इनमें से दोनों पसंद करने वाले जो हैं वो 10% है, तो केवल चाय पसंद करने वाले कितने होंगे, जो कि ओनली टी पसंद करेंगे, केवल चाय पसंद करेंगे, तो कितना होते रे, बताओ बताओ जरा कितना होते हैं। तो बोलिएगा सर कि अगर 20% ये पूरा घेरा है, पूरा घेरा 20% इन चाय पसंद करने वाले का है और 10% दोनों पसंद करने वाले का है, तो केवल चाय पसंद करने वाला कितना हो जाएगा, 20 में 10 घटा देंगे यानी 10%। देखिए इस 20 में इस 10 को घटा दीजिए, हो जाएगा 10% जो केवल चाय पसंद करते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, जो कि ओनली कॉफी पसंद करते हैं, तो ये जो 80% का ये वाला घेरा है इसमें आप इस 10% को लेस कीजिए, वो इसीलिए क्योंकि दोनों पसंद करने वाले हैं, केवल कॉफी निकालना है तो इसमें लेस करना होगा, 80 में 10 घटा देंगे, तो बोलिएगा कि 80 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 70% जो कि केवल कॉफी पसंद करते हैं, 70% केवल कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो आप पहले से जानते थे, तो सर इसमें नया क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये जब हम जानते हैं सर आप नया क्या पढ़ा रहे हैं, तो देखिए नया हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो गौर कीजिएगा, केवल चाय पसंद करने वाला 10% हो गया, केवल कॉफी पसंद करने वाला 70% हो गया, और ये जो ग्राफ हमने पूरा बनाया, ये पूरा ग्राफ है पसंद करने वाले का, ना कि डिसलाइक करने वाले का, किनका है, पसंद करने वाले का। अब देखिए हम लिख देते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, ये लाइक करने वाले का है, यानी कि पसंद करने वाले का, ये जो ग्राफ है पसंद करने वाले का। अब हम लोग जा रहे हैं ना पसंद करने वाला ग्राफ पे, उनकी जरूरत क्यों पड़ेगी आपको समय के साथ साथ पता चलेगा, वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए अब हम आते हैं ना पसंद करने वाले पर, देखिएगा ना पसंद करने वाले का ग्राफ हम यहां पे बनाएंगे, तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने अभी ग्राफ बनाया उस प्रकार से आप बनाइए, देखिए दोस्तों ये ग्राफ हमने बना लिया, ये ना पसंद करने वाले का ग्राफ है, इसमें से ये जो है ये हमारा हो जाएगा चाय, ये किनका हो जाएगा, चाय का, और ये किनका हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉफी का। ठीक है, ये चाय पसंद करने वाले का, ये कॉफी पसंद करने वाले का। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि कम से कम एक चीज पसंद करने वाले, या तो कॉफी या तो का, यानी या तो कॉफी या तो चाय, ठीक है, तो कम से कम एक चीज पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा दोस्तों ये केवल चाय पसंद करने वाले 10 है, ये 10 है दोनों पसंद करने वाले, ये 70 है केवल कॉफी पसंद करने वाले, तो अगर इनको जोड़ दिया जाए 70 + 10 + 10 यानी कि 80 और 10 यानी कि 90, यानी 90% जो लोग होंगे वो 90% लोग कम से कम एक चीज पसंद करने वाले हो जाएंगे, यानी कम से कम एक चीज पसंद करने वाले कौन हो जाएंगे, केवल चाय या तो दोनों या तो केवल कॉफी, तो इनको अगर जोड़ा जाए तो निकलेगा क्या, कम से कम एक चीज पसंद करने वाले निकल जाएगा। ठीक है, कम से कम एक चीज पसंद करने वाले। अब देखिए तो कम से कम एक चीज पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, 70, 10 और 10 यानी कि 90। इसको हम लिखेंगे 70 + 10 + 10 यानी कि ये हो जाएगा कम से कम एक पसंद करने वाले। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया 90, कितना हो गया 90%। अब देखिए टोटल जो स्टूडेंट, टोटल जितने भी लोग होंगे, टोटल जितने भी लोग होंगे वो अपने आप में 100% होगा क्या, हाँ 100% होगा, टोटल होगा अपने आप में 100%। अगर 100% होता है, अब कम से कम एक एक चीज पसंद करने वाले 90% हैं, तो बोलिएगा सर कम से कम एक एक चीज पसंद करने वाला अगर 90% है तो कोई भी चीज पसंद नहीं करने वाला, कोई पसंद नहीं करने वाला, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए,
कोई भी चीज़ पसंद नहीं करने वाला। तो कम से कम एक चीज़ पसंद करने वाला अगर 90% है तो कोई भी चीज़ पसंद नहीं करने वाला क्या हो जाएगा, तो 100 में 90 को घटा देंगे हो जाएगा 10%। यानी 90% अगर कम से कम एक चीज़ पसंद करता है तो 10% ऐसा है जो कुछ भी पसंद नहीं करता है, ना तो चाय ना तो कॉफ़ी, ठीक है। और ये जो ग्राफ है हमारा, ये पसंद करने वाले का ग्राफ है, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये नापसंद करने वाला ग्राफ है। अब बताइए इस जगह पे क्या होगा, थोड़ा सा बताइएगा इस जगह पे क्या होगा, समझ में आवे छो ना, बताओ जरा कि इस जगह की होते। बिहार वाला जितना भी विद्यार्थी छे या तो यूपी वाले, थोड़ा सा बताओ कि इस जगह पे क्या होगा, चूंकि ये नापसंद वाला ग्राफ है। बोलिएगा सर इसमें तो वही होगा जो कि दोनों में से किसी भी चीज को पसंद नहीं करता होगा, दोनों में से किसी भी चीज को पसंद नहीं करता होगा, इसमें वही चीज आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जो कि दोनों में से किसी भी चीज को पसंद नहीं करता होगा। अच्छा इसमें देखिए अब, अच्छा यहां तक आ रहा है, यहां तक हाँ इधर ये, अच्छा ये कट रहा है वीडियो में नहीं, अच्छा तो ऐसा बोलना चाहिए ना, यहाँ तक ये डायग्राम आ रहा है वीडियो में। दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो में, कभी कभी कट जाता है, चूँकि अकेला ऑपरेट करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा इसके लिए। देखिए ये चाय यहाँ पे नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि चलो ये चाय है, ठीक है, और ये है हमारी कॉफ़ी। देखिए तो ये वाला जो हमने बताया कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा जो कि कोई पसंद नहीं करता है एक भी चीज को, ना चाय को ना कॉफी को। तो ऐसा तो कितना है, 10% है, 10% यानी कि ये हो जाएगा 10%, 10% लोग। और चाय को पसंद करने वाला कितना है दोस्तों, चाय को पसंद करने वाला कितना है, 20%। तो नापसंद करने वाला कितना हो जाएगा, चाय को अगर पसंद करने वाला 20% है तो नापसंद करने वाला 80% हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अगर चाय पीने वाला ही लोग है तो वो अपने आप में 100% है ना, और अगर चाय पसंद करने वाला 20% है तो नापसंद करने वाला कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा चाय को नापसंद करने वाला। तो देखिए 80% अगर चाय को नापसंद करने वाला होगा तो ये वाला डायग्राम हमारा नापसंद का बन रहा है, इसमें 10% जो है ये नापसंद करने वाला है, ठीक है। 10% तो इसमें आ गया ना, तो इसमें कितना बचा, इसमें बचाएगा 70%, है ना, इसमें कितना बच जाएगा, 70% लोग जो कि चाय को क्या करता है, नापसंद करता है, तो 70%। और सर यहाँ पे 20% है चाय को पसंद करने वाला और नापसंद करने वाला है 80%, तो आप 70% का है लिखे, और यहाँ ये भी जुटेगा ना, ये भी तो नापसंद में ही है ना, तो 70 और 10 हो गया 80% जो कि चाय को नापसंद करता है। उसी प्रकार कॉफ़ी के लिए निकाल लीजिए, सबसे पहले आप कॉफ़ी को नापसंद करने वाला कितना होगा, तो सर कॉफ़ी को पसंद करने वाला कितना है, 80% लोग है जो कॉफ़ी को पसंद करता है। अगर 80% लोग कॉफ़ी को पसंद करता है तो नापसंद करने वाला 20% बोलिएगा, अगर 20% नापसंद करने वाला है तो उसमें 10 तो इसमें आ गया है ना, 10 इसमें पहले आ गया है, इसका मतलब सर कि 10% ऐसा लोग है जो केवल कॉफ़ी को नापसंद करता है। ये केवल वाला का बन रहा है दोस्तों, ये कितना का बन रहा है, केवल वाला का, यानी कि केवल चाय, केवल चाय को ना पसंद करना, और ये क्या हो जाएगा, केवल कॉफी को ना पसंद करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केवल चाय को ना पसंद करना, और ये हो जाएगा केवल कॉफी को ना पसंद करने वाले लोग। कुल मिला के देखिए आपको इसमें उलझना नहीं है। अब देखिए मैं इसका पूरा सार बताता हूं आपको, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका डायग्राम है ये है पसंद करने वाले लोगों को। मैं समझता हूं दोस्तों कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती होगी समझने में, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, 100% आएगी। देखिए ये जो चीज़ें हैं
ये वाला डायग्राम है पसंद करने वाले का, ये वाला डायग्राम है नापसंद करने वाले का। इसमें जो भी चीजें हम ले रहे हैं वो नापसंद करने वाले को ही ले रहे हैं, इसमें जो भी चीज ले रहे हैं वो पसंद करने वाले को ले रहे हैं। तो सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाइए। तो देखिए फिर से समझते हैं, हमारा क्या था, चाय 20% लोग पसंद करता है, 10% लोग दोनों चीज पसंद करता है, और कॉफी 80% लोग पसंद करता है। ठीक है, अगर 80% लोग कॉफी पसंद करता है, थोड़ा सा समझिएगा, अगर 80% लोग कॉफी पसंद करता है और उसमें 10% दोनों वाला है तो केवल वाला कितना हो जाएगा, तो 80 में 10 को घटा देंगे तो 70 बचेगा। इसी प्रकार 20 में इस 10 को घटा देंगे तो 10% बचेगा, केवल चाय पसंद करने वाला। ठीक है, ये तो पसंद वाले का डायग्राम बन के खत्म। दूसरी बात आई है यहां पे नापसंद करने वाले में। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 70 जोड़ 10 जोड़ 10 यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक चीज तो पसंद करते ही हैं। ठीक है, 70 जोड़ 10 जोड़ 10। अब देखिए 90% अगर कोई ना कोई एक चीज पसंद करते ही हैं तो 10% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, कुछ नहीं। तो 10% निकाल लिया हमने 190 करके, जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, कोई भी चीज ये पसंद नहीं करते हैं। तो नापसंद वाला डायग्राम कौन सा है, नीचे वाला, 10% लोग कुछ भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब यहां तक जब हम पहुंच गए तो थोड़ा सा यहां गौर करेंगे, 20% लोग अगर चाय पसंद करता है तो 80% लोग चाय पसंद, 20% लोग अगर चाय पसंद करता है तो 80% लोग चाय ना पसंद करता है, मतलब पसंद नहीं करता है। तो 80% में 10% तो यहाँ कॉमन न है जी, 10% क्या है, कॉमन है, तो यहाँ 70 ही ना लिखिएगा, 70 और 10 जोड़िएगा तो 80 ना हो जाएगा, तो ये 70 क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा केवल चाय को ना पसंद करने वाला, क्योंकि ये डायग्राम ही है ना पसंद वाला, है ना। और यहाँ पे 80% अगर कॉफी पसंद करता है तो 20% कॉफी पसंद नहीं करता है, तो ना पसंद करता है, मतलब 10% यहीं पे आ गया, तो 10% यहां लिखेंगे तो 20% हो जाएगा, तो ये 10% क्या हो जाएगा, केवल कॉफी ना पसंद करने वाला। सीधी सी बात है, ये डायग्राम पसंद करने वाला, ये डायग्राम ना पसंद करने वाला, कंफ्यूजन ना हो यहां लिखते हैं ना पसंद, ना पसंद करने वाला ये डायग्राम है। अब देखिए, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया है तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागूंगा आप, और आप उसे हवा में उड़ाते चलोगे, मैं आप पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागूंगा, आप इसकी सहायता से हवा में उड़ाते चलोगे, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने लोग कम से कम कितने लोग कम से कम एक पेय पसंद करते हैं, पहला क्वेश्चन, कितने लोग कम से कम एक पेय पसंद करते हैं, कम से कम एक पेय, मतलब एक तो पसंद करता ही है, चाहे कॉफी करे या तो फिर चाय करे या दोनों करे, एक पसंद करता ही है। तो सर हमने बताया था कि इसको जोड़िए, 70 जोड़ 10 जोड़ 10 कितना, 70 10 80, और 80 10 हो जाएगा 90, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, 90% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक पेय पसंद करता ही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर पूछे इसमें, अगर आपसे पूछे कि केवल केवल चाय पसंद करने वाला कितना है, केवल चाय पसंद करने वाला कितना है, तो क्या बताइएगा दोस्तों, केवल चाय पसंद करने वाला, आप सीधा जाइए पसंद करने वाले डायग्राम पे, ये है पसंद करने वाला डायग्राम, और केवल चाय तो यही ना है, यानी टोटल चाय में दोनों पसंद करने वाले को घटा दिए तो केवल चाय कितना हो गया, 10%, ये रहा आपका 10% आंसर।
अगर आपसे पूछे केवल चाय ना पसंद करने वाला, तब दोस्तों सिंपल सवाल तो सब कोई बना लेता है, फॉर्मूला लगा के भी बना लीजिएगा आप इसको, फॉर्मूला लगा के भी बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल चाय ना पसंद करने वाला, तो हिम्मत नहीं है कि आप फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, तो केवल चाय ना पसंद करने वाला, तो ना पसंद वाला डायग्राम कौन सा है? ना पसंद वाला डायग्राम तो यहां है, देखिए ना पसंद वाला, केवल चाय ना पसंद वाला कितना 70% है, जो केवल चाय को ना पसंद करता है कितना हो जाएगा 70% लोग केवल चाय को ना पसंद करता है। अगर आपसे बोला जाए, देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक रॉकेट की तरह हम आपको आप पे दागेंगे और सारे क्वेश्चन का जवाब यहां से होगा, एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो केवल चाय ना पसंद करने वाला हो गया। अगर आपसे पूछे कि दोनों पे नहीं पसंद करने वाले, दोनों पे नहीं पसंद करने वाले यानी कि दोनों पे नहीं पसंद करने वाले, अगर आपसे पूछेगा दोनों पे नहीं पसंद करने वाले, तो देखिए नहीं पसंद करने वाला का डायग्राम कौन सा? यहां है डायग्राम आपका नहीं पसंद करने वाला। अब दोनों पे नहीं पसंद करने वाला कितना, जो कॉमन है वही तो दोनों है, तो कितना 10% हो जाएगा, जो कि दोनों पे को नहीं पसंद करता यानी ना पसंद करता है, तो कितना हो जाएगा 10%। देखिए क्वेश्चन कितने हम करते जा रहे हैं, रंग बिरंगे क्वेश्चन करते जा रहे हैं वेन डायग्राम से, पर हर एक क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये तरीका ही लाजवाब है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए और भी क्वेश्चन यहां पे दागे जा सकते हैं, जैसे पांचवा नंबर आपसे पूछ सकता है कि पांचवा नंबर क्वेश्चन कैसे उठ सकता है इसमें, अगर आपसे बोले कि कम से कम एक पे को ना पसंद करने वाले, तब कम से कम एक पे को ना पसंद करने वाले, तो 70 जो 10 जो 10 यानी 90% ऐसे होंगे जो कम से कम एक पे को ना पसंद करेंगे, है ना। तो यहां पे देख रहे हैं आप कितने तरह के बन सकते हैं, 1, 2, 3, 4 अभी और भी तो है, जैसे मान के चलिए केवल कॉफी के बारे में पूछा गया, तो हमने सिर्फ चाय की बात की। अगर पूछे केवल कॉफी पसंद करने वाले, और अगर पूछे केवल कॉफी ना पसंद करने वाले, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? केवल कॉफी पसंद करने वाला, पसंद वाला पे आइए, अब केवल कॉफी कितना हो जाएगा, तो 70% हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 70%। और अगर आपसे पूछे कि केवल कॉफी ना पसंद करने वाला, तब फिर तो आइए ना पसंद पे, ना पसंद वाले डायग्राम पे आएंगे, और केवल कॉफी ना पसंद करने वाला कितना है, तो केवल कॉफी ना पसंद करने वाला 10%। मतलब कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इस डायग्राम को बनाने के लिए सीख लिया है तो देखिएगा और आंसर दीजिएगा, देखिएगा और आंसर दीजिएगा, पसंद ना पसंद का सारा झंझट आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप इस वेन डायग्राम की सहायता से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और देखिए दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता ही देना चाहता हूं इसमें, कि और एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए यहां पे हमने कुछ चीजों को मिटाया है, अगर इस चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी दोस्तों तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा और वहां से फिर इसे पूरा कर सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए कि अगर दोनों पसंद करने वालों की संख्या 100 है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगर दोनों पसंद करने वाले, अगर दोनों पसंद करने वाले 100 हैं, ठीक है, तो केवल चाय को ना पसंद करने वाले, तो केवल चाय को ना पसंद
करने वाले कितने हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये कुछ टाइप है जो कि छूट रहा था। देखिए अगर दोनों पसंद करने वाले 100 हैं तो केवल चाय को ना पसंद करने वाले, थोड़ा सा गौर कीजिए कि दोनों पसंद करने वालों की संख्या आपको दे दी गई है, दोनों पसंद करने वाले कितने थोड़ा गौर कीजिएगा। यही ना है जो कि दोनों को क्या करता है पसंद करता है, कितना 10%। यानी कहिएगा सर कि ये 10% तब 100 के बराबर हो जाएगा, कहे कि दोनों पसंद करने वाले कितने हैं 10%, यही 100 के सॉरी देखिए यही क्या हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो सर 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा 10 के बराबर। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों 100% क्या हो जाएगा अगर हमको टोटल संख्या निकालना है, टोटल संख्या कि आखिर लोग कितने हैं जो कि चाय और कॉफी पी रहे हैं, आखिर कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी पी रहे हैं या दोनों चीज पी रहे हैं। तो 100% निकाल लेंगे, जब 1% मेरा 10 निकल गया तो 100% निकाल लेंगे। तो बोलिएगा सर तो 100 × 10 कर देंगे, हो जाएगा 1000। यानी 1000 क्या निकला हमारा, ये 1000 क्या निकला, ये 1000 हो गया कुल लोगों की संख्या जो कि इसमें भाग ले रहे हैं, कॉफी पीने में या चाय पीने में या दोनों पीने में, ठीक, कुल 1000। अब कहता है तो केवल चाय को ना पसंद करने वाले कितने लोग हैं, केवल चाय को ना पसंद, ना पसंद जैसे बोलेगा दोस्तों तो ना पसंद वाला डायग्राम पे आइएगा, केवल चाय को ना पसंद करने वाले, ना पसंद करने वाला तो यही है ना, केवल चाय को ना पसंद, केवल चाय, तो केवल वाला तो यही होता है दोस्तों, कितना है 70%। तो क्या कीजिएगा 1000 का निकाल दीजिएगा 70% और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी कितना हो गया 700। यानी 700 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय को ना पसंद करते हैं, क्या करते हैं ना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, इस वीडियो को पुनः देखिए, फिर देखिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए और कही गई बातों पर जोर कीजिए, ठीक है, तो आपको निश्चित तौर पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये तो था हमारा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ये चीजें यहां पे समझ में नहीं आई, इस वीडियो में समझ में नहीं आई किसी कारणवश, एक और वीडियो इसकी आएगी वेन डायग्राम का सेकेंड पार्ट, उस पार्ट में भी आप इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जो कि परसेंटेज बेस्ड इस तरह से क्वेश्चन, यानी प्रतिशत बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफी ज्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट इसके, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना काफी अधिक होती है। तो दोस्तों फिर हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस क्लास को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।